हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्ण मोहन एंड यू आर वाचिंग केएम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवेज़ ने 72,000 पोस्ट को क्यों अबॉलिश कर दिया है। व्हाई डिड रेलवेज़ अबॉलिश 72,000 पोस्ट? सो दिस इज़ द वेरी बिग न्यूज़ कमिंग। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस जो हमारे पास एडिटोरियल निकला है उसको समझते हैं। तो हुआ क्या है, एक राज्यसभा के एमपी हैं, राज्यसभा एमपी फ्रॉम केरला डॉक्टर वी शिवा दसन हैज़ रिटन टू यूनियन रेल मिनिस्टर अश्विनी वैभव आस्किंग हिम टू रीइंस्टेट अराउंड 72,000 पोजीशंस दैट द रेलवेज कंट्रीज बिगेस्ट एम्प्लॉयर हैज़ अबॉलिश्ड ओवर द लास्ट 6 ईयर्स। एक केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के डॉक्टर वी शिवा दसन, उन्होंने एक लिखा हुआ है, उन्होंने एक लेटर लिखा यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैभव को। उन्होंने उस लेटर में ये लिखा कि आप ने पिछले 6 सालों में जितनी 72,000 पोस्ट को एबॉलिश किया, आप उसको फिर से रीइंस्टेट करो, मतलब इसको फिर से आप एक्शन में लेके आओ। ठीक है, तो व्हाट आर द जॉब्स दैट हैज़ बीन स्लैश्ड एंड व्हाई इज़ द रेलवे कटिंग द फ्लैप? और हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं रेलवे में जिसको एबॉलिश किया गया है। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3, तो हियर वी गो। पहला रीज़न है मेगा एम्प्लॉयर रेलवे। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंडियन रेलवे के पास हैं। द इंडियन रेलवे इज़ द कंट्रीज बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर एम्प्लॉइंग एन एस्टिमेटेड ऑफ 1.4 मिलियन पीपल। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स एप्लीकेंट्स इन ड्रोव्स विद ऑलमोस्ट ऑल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स सीइंग अ मैसिव रश। पहला पॉइंट क्लियर, वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर विथ करेंटली, अगर हम नंबर्स की बात करें, पीपल हु आर वर्किंग विद इंडियन रेलवे, द नंबर लाइज अप्रॉक्स 1.4 मिलियन। दूसरे पॉइंट की तरफ, इन 2019 अराउंड 2.4 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर ओवर 1 लाख एडवर्टाइज वैकेंसी। 2019 की बात है जहां पे 1 लाख एडवर्टाइज वैकेंसीज पे 2.4 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। इन जनवरी दिस ईयर हंड्रेड्स ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स From UP, Bihar protested for days over alleged irregularities in railway recruitment boards non-technician popular category exam of 2021। और इस साल हमने देखा जनवरी के स्टार्टिंग में हज़ारों की संख्या में लड़के जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और बेसिकली फ्रॉम यूपी बिहार, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए। किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किए? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। More recently on May 11, okay, the Southern Railway decided to add extra coaches to 46 train to ease rush for a recruitment exam। और अभी 11 मई की बात करते हैं तो Southern Railway ने ये decide किया कि हम जो ट्रेनों में extra coaches लगवाएंगे, जाके जो candidate आ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेनों में rush ना हो और आराम से वो लोग सफ़र कर सकें, एक दूसरे से दूसरी जगह जाके अपना पेपर दे सकें। ठीक है, हम लोग नहीं समझा कि इंडियन रेलवे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर ऑफ द कंट्री। और उसके बाद हमने ये समझा कि 2019 में 2.4 कैंडिडेट्स ने 1 लाख एडवर्टाइज वैकेंसीज जो निकली थी उस पर अप्लाई किया था। और तीसरा पॉइंट हमने ये समझा कि 11 मई को साउदर्न रेलवे ने ये डिसाइड किया कि हम ट्रेनों में 46 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाएंगे ताकि हम जो भी एग्जामिनेशन कर रहे थे उसको कुछ कम कर सकें। अब जॉब कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, तो देखिए, द रेलवे इज़ हायर कैंडिडेट फॉर गैजेटेड पोस्ट एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट। गैजेटेड में आते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और नॉन गैजेटेड में आते हैं ग्रुप सी एंड डी के पोस्ट। वैकेंसीज आर ऑल्सो फिल्ड थ्रू स्पोर्ट्स कल्चरल एंड अदर कोटाज। ग्रुप सी पोस्ट आर एसेंशियली टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कैडर पोजिशंस दैट इंक्लूड क्लर्क्स, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर्स एट्सेट्रा, वाइल ग्रुप डी पोस्ट इंक्लूड ऑपरेशन कैरियर बाई प्यूम्स हेल्पर्स एंड सफाई वाला। तो बेसिकली दो बातें बताई गई हैं, रेलवे दो तरीके से हायरिंग करता है। पहला होता है गैजेटेड पोस्ट जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, दूसरा होता है नॉन गैजेट पोस्ट जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट होती है। वैकेंसीज इसमें कुछ स्पोर्ट्स के माध्यम से भरी जाती हैं, स्पोर्ट्स कोटा होता है, कल्चरल होता है और काफ़ी सारे और कोटे भी होते हैं। अगर हम ग्रुप सी पोस्ट की बात करें तो बेसिकली उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैडर पोजीशन होती है जिसके अंदर हम लोग क्लर्क को इंक्लूड करते हैं, स्टेशन मास्टर्स को इंक्लूड करते हैं, टिकट कलेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जबकि ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी में प्यून्स आते हैं, हेल्पर्स आते हैं और सफाईज वाला आते हैं। अब देखिए कौन कौन से पोस्ट एबॉलिश्ड हुए हैं। पोस्ट्स एबॉलिश्ड, दिस पोजीशन बिलोंग टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी। बेसिकली जितने भी पोस्ट एबॉलिश्ड हुई हैं पिछले 6 सालों में, उनमें बेसिकली ग्रुप सी और ग्रुप डी के कैटेगरीज की पोस्ट एबॉलिश हुई हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स,
दीज पोस्ट हैव बिकम ऑब्सोल्यूट ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड नॉट टू फिल देम अप इन द फ्यूचर। तो बेसिकली रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा गया है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है तो वैसे वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है, ठीक है। तो इसको मतलब रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि फर्दर आने वाले भविष्य में भी इस पोस्ट को हम लोग फिल नहीं कर पाएंगे। हाउएवर दोज ऑलरेडी एम्प्लॉयड फॉर दिस ऑपरेशन आर लाइकली टू बी ऑब्जर्व इन द डिफरेंट रेलवे डिपार्टमेंट। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते थे जिसकी पोस्ट अबॉलिश हो गई है, तो उनको रेलवे के विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट को उनको पोस्टिंग मिल दी जा रही है। बिटवीन 2015 एंड 2016 टू 2020 एंड 2021 अराउंड 56,888 पोस्ट वर सरेंडर्ड बाई 16 रेलवे जोन्स। मतलब अगर हम 2015 से 2021 की बात करें तो लगभग 56,888 पोस्ट को 16 रेलवे जोन ने सरेंडर कर दिया है, विथ 15,495 स्लेटेड टू बी एबॉलिश। और 15,495, मतलब 15,500 मान लेते हैं अप्रॉक्स, पोस्ट एबॉलिश होने वाली है। द नॉर्दर्न रेलवे सरेंडर मोर देन 9,000 पोस्ट फॉलोड बाई 7,524 बाई द साउदर्न रेलवेज, 5,700 बाई ईस्टर्न रेलवेज एंड 4,600 बाई द 4,677 बाई द साउथ ईस्टर्न रेलवेज। तो हमने बात की पोस्ट एबॉलिश की। अब आते हैं रेल फाइनेंसेस के ऊपर। एट 70% ऑफ इट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टाफ वेजेस एंड पेंशंस हैव बीन मेजर ड्रेन ऑन द रेलवे फाइनेंसेस। अगर हम बात करते हैं तो 70% जो रेलवे का एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डिमांड फॉर ग्रांट 2021-2022 एनालिसिस PRS, सबसे बड़ा उनमें ये मुद्दा होता है कि जो स्टाफ की सैलरीज होती हैं और जो पेंशन होती हैं, ये सबसे बड़ा इनको खटकता है, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा इसी में जा रहा है इनको। इन 2015 द कमेटी ऑन रिकंस्ट्रक्शन रेलवे हैड टर्म द इंटरडेज एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ एज एक्सट्रीमली हाई एंड अनमैनेजेबल। एक कमेटी बनाई गई थी 2015 में रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे, तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ आर एज एक्सट्रीमली हाई अनमैनेजेबल, मतलब काफ़ी हाई है और उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कैग की बात कर लेते हैं। कैग इन इट्स दिसंबर 2021 रिपोर्ट ऑन रेलवे फाइनेंस एडवाइज्ड इट टू ऑगमेंट इट्स इंटरनल रिसोर्सेज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्रॉस बजटरी सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एबॉलिश कर रही है रेलवे इस पोस्ट, इतने सारे पोस्ट को पिछले 6 सालों से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।